Hello everyone, welcome to the oral mucosa part 3c. Oral mucosa part 3 में हम तीन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, gingiva, parts and histology, second part में gingival junction and gingival fibers and in part 3c today we are going to discuss the hard palate. So let's begin with the hard palate. अब हार्ड पैलेट जो है ये हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो काफी बोन से मिलके बना है. सो हार्ड पैलेट इज फॉर्म्ड ऑफ द पैलेटल शेल्व्स ऑफ द मैक्सिलरी बोन एंड द पैलेटाइन बोन्स इन द बैक रीजन. सो दिस हार्ड पैलेट बोन इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विच इज कॉल्ड पैलेटल म्यूकोजा. ये जो पैलेटल म्यूकोजा है ये थोड़ा डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स में. Now let's see the different regions or the zones of the hard palate. So the first part of the hard palate mucosa, which lies just next to the gingiva of the teeth, is called as the gingival part. So first part or the first zone of hard palate is gingival part. Next is the part of the palate which lies on the either side of the midline in the anterior region. आगे की तरफ और लैटरली एंटीरियर एंड लैटरल रीजन्स में जो एरिया पड़ा है फैट का, जिसको हम फैटी जोन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीरोलैटरल जोन. सो फर्स्ट इज जिंजाइवल पार्ट, सेकेंड इज एंटीरोलैटरल जोन. ऐसे ही पीछे की तरफ हमारा पोस्टीरोलैटरल एरिया में जो जोन पड़ा है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरोलैटरल जोन और ग्लैंडुलर जोन. सो दैट इज द थर्ड जोन, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं. एंड द मिड लाइन ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय अ लाइन विच इज नोन एज मिड पैलेटाइन राफे. मिड सेंटर में और एक राफे की तरह है, सो मिड पैलेटाइन राफे. सो दीज आर द फोर पार्ट्स, जिंजाइवा, एंटीरोलैटरल जोन, पोस्टीरोलैटरल जोन एंड मिड पैलेटाइन राफे. अब ये जो पैलेटल म्यूकोजा होता है ये हमारा थिक म्यूकोजा है जिंजाइवा की तरह और इसका कलर होता है डार्क पिंक. पैलेट के एंटीरियर रीजन में हमें म्यूकोजा के ऊपर कुछ फोल्ड्स दिखते हैं जो ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रन करते हैं फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द लैटरल साइड. सो दीज फोल्ड्स ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन द एंटीरियर रीजन ऑफ हार्ड पैलेट आर कॉल्ड रूगे, पैलेटाइन रूगे. ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कोर से बने हुए होते हैं. इनका नंबर, साइज, शेप वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. नाउ लेट्स कम टू द हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ड पैलेट. अब हार्ड पैलेट हमारा मास्टिकेटरी म्यूकोजा है, सो इट हैज केराटिनाइज्ड एपिथीलियम लाइक दैट ऑफ जिंजाइवा. जिंजाइवा के अंदर भी केराटिनाइज्ड एपिथीलियम था, ऐसे ही हमारे हार्ड पैलेट में भी केराटिनाइज्ड एपिथीलियम है. बट ये ऑर्थो केराटिनाइज्ड है, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर में न्यूक्लियाई नहीं है. सो इट इज कॉल्ड ऑर्थो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम. अब इसके नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है जिसमें अगेन वी हैव लॉन्ग पैपिले. जैसे हमारे जिंजाइवा में लॉन्ग पैपिले थे वैसे ही यहाँ पे भी लॉन्ग पैपिले हैं. सो वी हैव एपिथीलियम, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू पैपिले एंड एडिशन टू दैट वी हैव सब म्यूकोजा. सो Submucosa is absent in gingiva, but it is present in hard palate. अब hard palate में submucosa होने के बावजूद ये हमारा जो palatal mucosa है वो बहुत thick होता है and it is highly immobile. Immobile, ये move नहीं कर पाते क्योंकि इसके जो connective tissue के dense collagen fiber bundles हैं वो नीचे extend करते हैं सब mucosa के बीच बीच में और सब mucosa को divide कर देते हैं spaces में. So सब mucosa की जो spaces हैं उनके बीच में ये connective tissue papillae run करते हैं at right angles. Right angles. So ये thick dense collagen bundles जो नीचे जाके periosteum पे attach हो जाते हैं जिसकी वजह से ये इमोबाइल रहता है और इन स्पेसेस के अंदर हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं फैट सेल्स या ग्लैंड्स. अगर ये एंटीरोलैटरल जोन है तो यहाँ पे होंगे हमारे फैट सेल्स. सो इन द
हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट पैलेट स्पेशली इन द एंटीरोलैटरल जोन वी कैन सी ऑर्थोकेरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, लमाइना प्रोपरिया एंड फैट सेल्स इन द सबम्यूकोसा. नाउ इन द पोस्टीरोलैटरल जोन ऑफ द हार्ट पैलेट अगेन वी हैव ऑर्थोकेरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, लमाइना प्रोपरिया एंड सलाइवरी ग्लैंड्स इन द सबम्यूकोसा. So that's why it's also called as glandular zone. Now in the epithelium we can also see non-keratinocyte cells, जैसे हमें gingiva में दिखते थे melanocytes, Langerhans cells, ये हमें यहाँ पे भी दिख सकते हैं. और जो lamina propria होता है वो हमारा anterior region में thicker होता है posterior region से. So lamina propria is thicker in the anterior region than in the posterior region. Now before proceeding to the incisive papilla, let's know about the submucosa of the hard palate. अब जो submucosa region है वो variable है, वो हमारा कुछ कुछ जगह पे submucosa नहीं होता. जैसे कि mid palatine referee region में हमारा submucosa absent होता है और वहाँ पे हमारा जो epithelium है और connective tissue है वो directly attached होते हैं periosteum of the underlying bone से. So इस type की bond को हम बोलते हैं mucoperiosteum. Okay. After that, we come to the another structure in the hard palate, which is called as incisive papilla. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक oval shape का structure है जो just mid palatine raphe के आगे पड़ा हुआ है और central incisors के center में, maxillary central incisors के just पीछे पड़ा हुआ है center में. This is called incisive papilla or palatine papilla. ये about 3 millimeters wide होता है. अब इस पैपिले के नीचे हमारे इंसाइसिव कैनाल होता है, एक लेयर है उसके नीचे हमें एक सुरंग दिखती है जिसको हम बोलते हैं इंसाइसिव कैनाल. ये हमारा इंसाइसिव कैनाल है. अब इस इंसाइसिव कैनाल के अंदर हमारी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं. इट मे कंटेन द स्पिनो पैलेटाइन एंड पैलेटाइन आर्टरीज एंड नेजो पैलेटाइन नर्व. तो बेसिकली ये इंसाइसिव कैनाल इसको नेजल कैविटी से ऊपर कनेक्ट करता है और यहाँ पे हमारी ये आर्टरीज और नर्व्स इसके थ्रू ओरल कैविटी में कम्युनिकेट करते हैं. अब कभी कभी एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी होता है इस पैपिला के नीचे जिसको हम बोलते हैं नेजो पैलेटाइन डक्ट. अब ये जो नेजो पैलेटाइन डक्ट होती है ये हमारे अंदर रेमनेंट होती है. दैट मीन्स जब ये फॉर्म होती है तो बर्थ के बाद ये डीजेनरेट कर जाती है. ये डक्ट बेसिकली हमारी एक कनेक्ट करती है ओरल कैविटी को इंटीरियर नेजल सेप्टम के एक ऑर्गन से जिसको हम बोलते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन ऑफ द जेकॉब्सन. ये कंसीडर किया जाता है एक असेसरी ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन जो एंटीरियर सेप्टम में होता है. तो उससे ये कनेक्ट करती है ओरल कैविटी में थ्रू द नेजो पैलेटाइन डक्ट. अब नेजो पैलेटाइन डक्ट लोअर मैमल्स में तो रहती है लेकिन हमारे अंदर ये डीजेनरेट कर जाती है और डक्ट की जगह यहाँ पे म्यूकोजा फिल हो जाता है. सो म्यूकोजा के अंदर एपिथीलियम हो सकता है जो रिजेंबल करता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम और उसके अंदर होते हैं गॉबलेट सेल्स. सो दिस डक्ट गेट्स ऑब्लिटरेटेड बाय दिस एपिथीलियम. नेक्स्ट वी कम टू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिथीलियल पल्स. अब ये जो इंसाइसिव और पैलेटाइन पैपिला है इस रीजन में जब हमारी डेवलपमेंट होती है पैलेटाइन प्रोसेसेस ये फ्यूज कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर जो म्यूकोजा होता है वो इसके अंदर फोल्ड हो जाता है और जो एपिथीलियल सेल्स हैं वो एंट्रैप हो जाते हैं इस रीजन में और ये कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिथीलियल पल्स, एपिथीलियम सेल्स के मोती जैसे रीजन्स. सो दीज एपिथीलियल पर्ल्स आर कंसिडर्ड एज द एपिथीलियल रेमनेंट्स सीन इन द रीजन ऑफ इंसाइसिव पैपिला एंड कैनाल एंड दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द पैलेटाइन प्रोसेसेस. तो ये जो एपिथीलियल सेल्स है कभी कभी केराटिन बना देते हैं और उसके सेंटर में हमें केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखता है. सो दिस इज नोन एज एपिथीलियल पर्ल्स. सो दैट इज ऑल फॉर द हार्ट पैलेट. If you liked my video, please subscribe my channel and share the link. And also please comment in the comment section below if you have any suggestions.
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.